मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ अपोजिशन यूनिटी का, और हमसे सवाल करना गलत है। अब कांग्रेस के एनसीपी के लोग भाग भाग कर चले गए शिवसेना बीजेपी में, तो मेरे से तो पूछ के नहीं गए वो लोग, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। और तीसरी बात यह है कि वंचित बहुजन अकाली से अलायंस क्यों नहीं हुआ, वो इम्तियाज साहब हम लोग सब बता चुके हैं, हमारी उनसे बातचीत हुई थी, बहरहाल सीट के ऊपर नहीं हो सका। अगर अपोजिशन में डिसयूनिटी है तो ये तो उन लोगों को पूछना चाहिए जो 20-20 साल 30-30 साल महाराष्ट्र में हुकूमत किए, और क्या वजह है कि उनकी पार्टी के लोग उनको छोड़ के जा रहे, क्या वजह है कि उनका एक्स प्रेसिडेंट मुंबई का कह रहा है कि मैं कैंपेन नहीं करूंगा, ये तो उनके लिए है सवाल। सर आप देश के किसी भी कोने में जाते हैं तो आपको सवाल करा जाता है कि वोट कटवा है, आप ये बात कही जाती है, तो सवाल चेहरे पे लिखा हुआ है तो क्या करते हैं। आम तौर पर ये ख्याल है लोगों का कि MIS जो है तो बीजेपी की भी पार्टी नहीं, क्यों नहीं बोल रहे आप, ये बोल रहे लोगों आप गलत बोल रहे हैं, हमारे जमीन मत करिए, हमारी बेइज्जती मत करिए, यही टीम है। सर पूरे महाराष्ट्र का एमपी इम्तियाज जलील साहब देख रहे, क्या खास बात है कि आप जो है मुंबई पॉलिटिक्स में आपने अपने हाथ में लिया? कौन मुंबई प्रेसिडेंट हूँ? नहीं आप तो हैं, मगर पूरे महाराष्ट्र का ये कर रहे हैं, मगर मुंबई की खास बात आपने सारा सिलेक्शन आपने ही किया है। सर मेरा एक सवाल है, देश में बहुत सारे मसाइल है जिसपे, जिन इश्यूज पे इलेक्शन लड़ा गया, और महाराष्ट्र में भी अलग अलग इश्यूज पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, तो आपका ऐसा कौन सा इश्यूज होगा जो बहुत खास आप फोकस करेंगे उसके ऊपर? हम लोग शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि चाहे महाराष्ट्र हो चाहे हमारा वतन भारत हो, इसमें हम लोगों को बहुत जरूरी है कि जो डिस्क्रिमिनेटेड मार्जिनलाइज सेक्शन है उनके पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट वॉइस की बहुत बड़ी जरूरत है, और इसीलिए हम लोग ये जैसा अभी इम्तियाज साहब पूरा आपको बोले कि इसके समाज के लोगों को जो कमजोर हैं जो पिछड़े हैं उनको हम लोग अपनी पार्टी से टिकट दिए हैं, पर हमारा मानना यह है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जब होगा तभी जाकर सही मानों में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने हमारे बुजुर्गों ने जो प्रीएम्बल में लिखा कि लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी जस्टिस, ये इन चार चीजों को जो बाबा साहिब ने हमको दिया कि भाई आप इसको हासिल करो, हम उसको तब हासिल कर सकते, यही हमारा अहम मुद्दा और इशू रहेगा। सर एक सुना हुआ है ये आर्टिकल 370 पे लड़ा जाएगा, चाहे शिवसेना या बीजेपी की अलायंस जो की है, ये महाराष्ट्र का चुनाव 370 पे पूरा महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए मैं हमेशा से कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि 2014 से 2018 तक महाराष्ट्र में 14,000 के करीब किसानों ने खुदकुशी की, 34,000 करोड़ का उन्होंने लोन माफी का ऐलान करने के बाद भी 4,500 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की, उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते, अपनी कमजोरियों पर बात नहीं करना चाहते, अपने जो वादे उन्होंने किए थे उस पर जो निभा नहीं सके उस पर करना नहीं चाहते। आज अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क में 6% हो चुका है, इंडस्ट्रियल आउटपुट महाराष्ट्र में पहले के बनिस्बत कम हो चुका है, महंगाई GST का कलेक्शन कल ही आप लोगों ने रिपोर्ट किया कि कितना कम हो चुका है, तो ये तमाम मुद्दे जो है जिसका रास ताल्लुक एक गरीब आम हिंदुस्तानी से है उसके ऊपर बात नहीं करके वो 370 के ऊपर बात करना चाह रहे। सर NRC को लेकर जिस तरह मोहन भागवत जी ने और अमित शाह ने जो बयान दिया है कि पूरे मुल्क में NRC लागू होगा और उसमें से हिंदुओं को जो है उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, खासतौर से मुसलमानों को जो है NRC के तहत बाहर किया जाएगा और इन पर सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो पहले लोकसभा में पेश हुआ था, फिर लोकसभा के इलेक्शन के बाद खत्म हो गया, अब दोबारा होम मिनिस्टर अमित शाह कह रहे हैं कि हम सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाकर जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उन सबको इंडिया का सिटीजनशिप देंगे सिवाय जो मुसलमान हैं। हमारा बोलना यह है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी का एक बहुत बड़ा हमारा सेक्शन है आर्टिकल है, और कोई भी सरकार
उस राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं जा सकती। दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क में हमारे बुजुर्गों ने जो संविधान हमको दिया है, उन्होंने मजहब को इशू नहीं बनाया सिटीजनशिप को लेकर। तीसरा यह है कि अगर सिटीजन अमेंडमेंट बिल बीजेपी लाती है तो ये तो जिना के टू नेशन थ्योरी को आप मजबूत कर रहे हैं। सुनिए, जैसा कि कल पाकिस्तान में एक बिल लाया गया था जिसमें उन्होंने खुद उसको हरा दिया उस बिल को, कि सिवाय मुसलमान के कोई उस मुल्क का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। और ये मुल्क कोई थियोक्रेटिक कंट्री नहीं है, इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है, ये मुल्क तमाम मजहब को मानता है, ये मुल्क जो मजहब को नहीं मानते उनको भी मानता है। और अगर हम सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेकर आएंगे तो फिर अनफॉर्चुनेटली हम लोग इसराइल और जो ओल्ड रोडेशिया था, अब जो मौजूदा साउथ अफ्रीका है जहां पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, खुदा ना खास्ता हम उनकी लाइन में आकर ठहर जाएंगे। तो इसीलिए हमारी पार्टी सिटीजन अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत उस वक्त पार्लियामेंट में की, अभी भी करेंगे। रहा सवाल एनआरसी का, एनआरसी के ताल्लुक से बीजेपी संघ परिवार के लोग बहुत पुकार पुकार कर कह रहे थे, मगर जैसे ही आसाम में 1.9 मिलियन लोगों की जो लिस्ट आई, जो एक्सक्लूड हुए, उसके बाद इनके चेहरे का रंग बदल गया, इनको तकलीफ होना शुरू हो गई। और खुद जो कल तक एनआरसी आसाम की बोलते थे बहुत अच्छा है, जैसा आ गया उसके बाद ये लोग परेशान हो गए। अब खुद उनका मिनिस्टर कह रहा है कि हम इसको एनआरसी को नहीं मानते, जबकि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी था। तो ये इनका हिपोक्रेसी है, डुप्लीसिटी की एक बेहतरीन मिसाल है। सर, सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे एग्री चल रही है अयोध्या की 17 तारीख, इसको कोई पूछने दो आप। सर, मेरा सवाल है, पिछले चुनाव में जैसे कि पूरे महाराष्ट्र में दो सीटें आपके पास आई थी, एक इंटर जलित साहब और दूसरा, मेरा सवाल ये है कि साउथ मुंबई का ये हिस्सा, जनूबी मुंबई का जो ये हिस्सा है, यहाँ पे जो मुसलमानों से जुड़े मसले हैं, जो बुनियादी जरूरतें हैं, क्या इन 5 सालों में अगर आवाम ने उस नुमाइंदों को मुंतखब किया है, तो क्या इन 5 सालों में जिन मसलों को लेकर उनको आवाम ने मुंतखब किया है, क्या वो जरूरतें पूरी हुई हैं या अभी भी कुछ बाकी रह गई हैं, जिसको देखते हुए क्या इस बार आवाम देखिए देखिए बात बोलना बिल्कुल गलत हुआ किसी पॉलिटिशियन के लिए कि हमने पूरे मसाइल हल कर दिए। यकीनन हमारे एमएलए साहब इम्तियाज जलील साहब उस वक्त थे, होंगे वारिस साहब हैं, उन्होंने पूरी मेहनत की, जस्तजू की, इखलास के साथ काम किया, बहुत से मसाइल उन्होंने हल किया, अभी भी मसाइल हैं उसको हल करना है, हम जरूर हल करेंगे। और इसीलिए आवाम से कह रहे हैं कि हमने इन 4.5 साल में हमने ये काम करवाए, अभी काम होना बाकी है, उसको हम यकीनन टेकअप करेंगे और उसको मुकम्मल करवाएंगे। सर, एक सवाल मेरा है,